प्रोटीन लॉस होने की समस्या आपके शरीर में कमजोरी की वजह बन सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आप इस समस्या के लक्षणों को समझें और इसके लिए सही इलाज लें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि प्रोटीन यूरिया के मरीज अपने आहार में क्या ले सकते हैं। प्रोटीन यूरिया की समस्या तब होती है जब आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, जिसके कारण आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स के छेद बड़े बड़े हो जाते हैं और आपकी किडनी आपके रक्त को सही से साफ नहीं कर पाती। जब आपकी किडनी आपकी बॉडी में रक्त को ठीक से साफ नहीं कर पाती, तो इससे शरीर की जमा गंदगी के साथ साथ प्रोटीन भी शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। इसको प्रोटीन लॉस यानी कि प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। प्रोटीन यूरिया की समस्या होने पर आप अपने आहार में कुछ चीजों को शामिल करें, जिसमें आप सबसे पहले तो गेहूं के आटे से बनी रोटी का सेवन करें। गेहूं के आटे से आप रोटी के अलावा आप हलवा या किसी और रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं। गेहूं का आटा कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन से भी भरपूर होता है। इसके साथ ही आटे में विटामिन बी, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम होता है, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। आप प्रोटीन लॉस की समस्या से दूर होने के लिए दूध को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इसमें सही मात्रा में कैल्शियम होता है, साथ ही दूध से आपको प्रोटीन भी सही मात्रा में मिलता है। अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, साथ ही आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाए रखता है। प्रोटीन यूरिया की समस्या से बचने के लिए आपको अपने आहार में ड्राई फ्रूट भी शामिल करना चाहिए। इसमें आप काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और मखाने का सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट का सेवन आपको प्रोटीन यूरिया की समस्या से दूर रखता है। अगर आप अपने आहार में दही का सेवन करें तो ये आपके लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही आप छाछ भी पी सकते हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप सोयाबीन की बड़ी भी खा सकते हैं। ये भी एक अच्छा स्रोत है जो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसके साथ ही आप अपने रोजाना के आहार में फूल गोभी, हरी मटर, पालक, मशरूम, शतावरी और सुंदरी की फली, इन चीजों को शामिल कर सकते हैं। ये सब्जियाँ आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करने में सहायता करती हैं। इसके साथ ही सभी प्रकार की दालों का सेवन भी आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। तो ये हैं कुछ आहार जो आपको प्रोटीन यूरिया की समस्या से बचाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिनकी किडनी में खराबी है उन्हें इन चीजों का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र विक्रम सिंह है। अच्छा, तो कहाँ से हैं? बरेली से। आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। ये कार्ड आपका है? जी सर। आप MBBS करिए? मैंने MBBS GCS दोनों। अच्छा, आई चार्ली स्पेशलिस्ट। जी जी जी, ठीक है। तो जब आप आए थे तो आपने कोई पेशेंट वगैरह देखा यहाँ से वहाँ पे आपके बरेली में? जी सर, मेरे हॉस्पिटल के बराबर में है। अच्छा, मेरा नया घर है वो, उसका क्रिएटिन लेवल 12 के आसपास था। अच्छा, यूरिया सर 200। ठीक है, तो अब उसे रिड्यूस हो गया, GFR भी इम्प्रूव हुआ है उसका। अच्छा, क्रिएटिन उसका 5-6 के आसपास है। अच्छा, यूरिया भी 120 है। अच्छा, वो फिजिकली मतलब जो GC है उसकी इम्प्रूव हुई है। अच्छा, जनरल कंडीशंस काफ़ी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। मतलब क्रिएटिनिन जो था वो 12 था? जी 12 था। और अभी जो है वो? हाँ, उस बंदे का, पेशेंट का मतलब 5.6 के आसपास है सर। तो आप प्रैक्टिस वहीं करते हैं? जी, मेरा अस्पताल है। अच्छा, हॉस्पिटल है आपका बरेली में? जी जी। अच्छा, ठीक है, ओके।